Thank you.
dalida 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 देखा, जैसा कि सुमन जी ने इस कार्यक्रम के आरंभ में ही ये बात कही थी, और ऐसी बात
किसी केंद्र का और कथक केंद्र जैसे केंद्र का निदेशक ही कह सकता है कि ये जो गणतंत्र है हमारा, उसको जो उसकी जो पोषक शक्तियां हैं वो कला में निहित हैं, वो संगीत में निहित हैं, वो नृत्य में निहित हैं। और ये सिर्फ आज नहीं, जब से हमारे देश में कलाओं का उद्भव हुआ, वो जोड़ने का ही काम करती हैं, संवाद का ही काम करती हैं, वाद विवाद कटुताओं के बीच एक संवाद को जन्म देती हैं। और यही हमारी गणतंत्र की सुंदरता है, और इसकी जो पोषक शक्तियां हैं वो हमारी कलाएं हैं, और इसका एक उदाहरण आपने इस समय। और जब अनुभवी गुरुओं के हाथों में कुशल छात्र जब सामने आते हैं तो किस तरह की कला निखर कर सामने आती है। मैं इस प्रस्तुति में शामिल सभी वादकों से और सभी सहयोगियों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं ताकि एक ग्रुप छायाचित्र हो जाए। और सभी कलाकार, मैं पखावज पर फतेह सिंह गंगानी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं। समीउल्लाह खां, योगेश गंगानी, मोहम्मद अयूब, निशित गंगानी, फतेह सिंह गंगानी और अदिति भारद्वाज मंच पर आइए। और जो सभी कलाकार थे, प्रियंका कपिल, अस्मिता एच, सुजाता गावड़े, टीना दास, एलिना, तात्याना, अनुघा वारियर और साक्षी दमानी, आप सभी से निवेदन है कि हम मंच पर आएं। गुरुजी, हाँ तो श्रेष्ठा और आरोही भी आ जाएं, क्यों संकोच रखती हैं।